गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त मोहम्मद सज्जाद आज एक नए टॉपिक के साथ, और आज हम बात करेंगे पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। अगर इस डायग्राम को आप गौर से देखें, ये मैंने ये डायग्राम जो है वो इंसानी माइंड का जो है वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। हमारा जो माइंड है वो दो हिस्सों पर मुश्तमल है, एक कॉन्शियस माइंड है और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड है। अगर मैं इसको मजीद इस पर बात करूं तो ये 10% है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो 90% है। जब हम कॉन्शियस माइंड पे अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं तो हम अपने गोल सेट करते हैं, उनको हासिल करना चाहते हैं, उनकी तरफ देखते हैं। जैसे ही हम अपने गोल की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो दूसरी तरफ सबकॉन्शियस माइंड हमें दूसरी तरफ लेके जा रहा होता है, दोनों आपस में मुखालिफ चिंतों में जाते हैं। ये देखिए, कॉन्शियस माइंड गोल को देख रहा है लेकिन सबकॉन्शियस माइंड इसके उलट जा रहा है। ये ऐसा ही है कि जैसे एक बंदा है, उसे पता है कि सिगरेट पीना उसकी सेहत के लिए खराब है, वो छोड़ना भी चाहता है लेकिन उसको छोड़ क्यों नहीं पाता, क्योंकि वो कॉन्शियस लेवल पर वो चाहता है इसको छोड़ना, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड इज अ प्रोग्राम। सबकॉन्शियस माइंड 90% है जबकि कॉन्शियस माइंड आपका 10% है, तो मानी किसकी जाएगी? 90% एक तरफ 10 घोड़े खींच रहे हैं किसी चीज को और दूसरी तरफ 90 घोड़े खींच रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये जाहिर है कि कौन जीतेगा, जिस तरफ 90 घोड़े काम कर रहे हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड इज अ 90%, इसने ही पता याद होना है। तो अगर हम अपनी लाइफ में गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, अगर अपनी लाइफ में हम कामयाबियां चाहते हैं, तो हमें करना क्या पड़ेगा? हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना पड़ेगा नए तरीके से, पुरानी जो प्रोग्रामिंग है उसको बदलना पड़ेगा और उसकी जगह पे नई प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। तो नई प्रोग्रामिंग जो है वो कैसे होगी, उसके लिए हमें इसमें न्यू इमेजेस और न्यू इमोशंस डालने होंगे। जब आप सबकॉन्शियस माइंड में न्यू इमेजेस और न्यू इमोशंस डालेंगे तो फिर जानते हैं क्या होगा, फिर ये होगा। यानी आप जो है वो कॉन्शियस माइंड के साथ अलाइन हो जाएंगे। ये देखें, अब कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों एक ही तरफ में काम कर रहे हैं, यानी ये 10% और ये 90%, 100% आप जो है वो अपने गोल्स की तरफ फोकस हैं और यूं आपके गोल्स मटीरियलाइज होते हैं और आप जिंदगी में कामयाबियां और सक्सेस हासिल करते हैं। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि बहुत सारे दूसरे लोगों का फायदा हो सके।